बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इंफॉर्मेशन। लीगल इंफॉर्मेशन में खुशामदीद। ईओबीआई की पेंशन में बजट के ज़रिए इजाफे पर बात हो रही है और वफाकी काबीना में जो है इस मसले को ज़ेर बहस लाया जा रहा है। दूसरी तरफ ईओबीआई के हुकाम भी कोशिश कर रहे हैं। अब तक की ताज़ा तरीन डिवेलपमेंट क्या है? क्या वाकई ईओबीआई की पेंशन में इजाफा इस बार बजट के ज़रिए फाइनेंशियल असिस्टेंट के नाम पे हो रहा है? क्या कहानी है, क्या तफसीलात हैं? आज की वीडियो बहुत ही अहम है। आपसे इस्तदा है कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को प्रेस, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानब। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, 500 वाले चार नोट आपको नज़र आ रहे हैं, ये 2000 रुपये हैं। और ईओबीआई की पेंशन में जो इजाफे की खबरें आ रही है वो पता कितनी आ रही हैं? वो सिर्फ 1500 रुपए की आ रही हैं, यानी इन चार नोटों में से भी एक नोट कम 1500 रुपए। और यानी ये 10000 रुपए करने की कोशिश हो रही है। आज एक दोस्त ने बताया कि नहीं, ये 10500 रुपए तक बढ़ने जा रही है। अच्छा, मैं फिर इस खबर के पीछे पड़ गया। मैंने कहा यार अब इसकी हकीकत तो जानी जाए कि आखिर वफाकी काबीना में होने क्या जा रहा है। वाकई ये अखबारात में खबरें तो जाहिर है अब ऐसे तो नहीं आ जाती ना, कोई ना कोई वजूद होता है, कोई ना कोई बात होती है, कोई ना कोई तरीक़ाकार होता है, तो फिर उसके बाद ही आती है, ऐसे थोड़ी आ जाती है। बहरहाल मैं जनाब उसके पीछे पड़ा तो खबर ये आई कि वफाकी काबीना के इजलास में इस मामले को रखा जा रहा है और फाइनेंशियल असिस्टेंट के नाम पर आपकी पेंशन में इजाफे के हवाले से इकदाम करने की कोशिश की जा रही है। और अगर इस अंदाज से ये हो जाता है तो फिर अगर ये जितने भी असिस्टेंस दे सकते हैं तो ये काबिल कबूल है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। रही हमारी अपनी पेंशन में इजाफा, तो वो तो नागुजीर है। पिछले 3.5 साल से पेंशन में इजाफा नहीं हुआ और अब हमारा इजाफा भी जो है वो, अगर इनके 3 साल वाली बात को मान लिया जाए तो भी वो जो है अब तक हो जाना चाहिए, लेकिन उस हवाले से अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं है। जो पेशरफ्त हो रही है वो यही काबीना के इजलास में फाइनेंशियल असिस्टेंस के नाम पर आपकी इमदाद जो है उसकी कोशिश की जा रही है। अब वो देखते हैं कि जनाब वफाकी काबीना जो है वो कितना बजट आप बुज़ुर्गों के लिए मंजूर करती है। अगर उसके ज़रिए भी ये आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस करना चाहते हैं तो हमें काबिल कबूल है, चूँकि अदरवाइज़ तो जो कानून है ईओबीआई का वो तो इस बात की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि उन्होंने जो इजाफा करना होता है वो तो उसका बाकायदा एक तरीक़ाकार है और वो ईओबीआई एक्ट 1976 के अंदर तय कर दिया गया है। बहरहाल अगर हुकूमत पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत ख़ास तौर पर ईओबीआई के बुज़ुर्गों की फाइनेंशियल असिस्टेंस करना चाहती है अपने बजट के ज़रिए तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा ये भी मुतालबा है कि फिल फॉर जो है वो इजलास बुलाया जाए और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का, और उसके अंदर जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करके ईओबीआई की पेंशन में जो है वो ईओबीआई के अपने पैसे से जो इजाफा होना है वो फिल फॉर ज़रूर किया जाए। असिस्टेंस तो आपकी मेहरबानी है, ये तो हो जाए, इस पर हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन जो हमारा इस्तेहकाक है वो तो कम से कम हमें फिल फॉर दिया जाए।